أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ بعد نماز اعلان کیا جا چکا ہے اور آپ حضرات بھی واقف ہیں، آج کی نشست شریعت انفارمیشن سروس کی 537 نشست ہے جو جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 5 مئی 2014 مطابق رجب 14 تاریخ جو نہیں آئی ہے اس میں نہیں ہے 5 رجب 1435 ہجری منعقد ہو رہی ہے. حضرات، آج کے ہمارے مقرر شاید ان کا پہلے ہم پہلی دفعہ انہیں مدعو کیے ہیں، یہ ہیں مفتی دیوبند کے، اور حیدرآباد ہی میں ان کی تعلیم ہوئی لیکن پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ دیوبند گئے اور وہاں سے انہوں نے مفتی کے شعبے میں تعلیم حاصل کی. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو عنوان دیا گیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ سب حضرات تعلیم یافتہ ہیں اور اچھی طرح سے واقف ہیں، اسلام کے بارے میں آپ کی بہت کچھ معلومات ہیں، قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں، پہلے تو یہ کہ قرآن کو مکمل ضابطۂ حیات کہا گیا ہے اور اس کو فوقیت اسی وجہ سے حاصل ہے کہ دیگر مذاہب میں وراثت کے بارے میں اتنا تفصیلی ذکر نہیں ہے جس قدر کے کلام مجید میں. وہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن تھوڑی بہت واقفیت ہے پیشہ وکالت کی وجہ سے بھی. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو ایسے ایسے توضیحات ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی ٹھن جاتی ہے کہ وہ فیملی کورٹ اور فلاں کورٹ اور یہ کورٹ وہ کورٹ کے ذریعے جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے توضیحات کرا لیں یا دعوے ڈگری کرا لیں. اور اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی ایڈوکیٹ صاحب نہیں ہوتے بلکہ دو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں ایک کی دوسرے کی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ توضیحات جو کرتے ہیں قرآن مجید کے احکام کی وہ مختلف ہوتے ہیں. اب ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاں اگر ایسا کوئی کیس آئے تو میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جامع نظامیہ سے فتویٰ حاصل کیجیے. جامع نظامیہ کا فتویٰ یہاں پہ آل انڈیا میں بھی مانا جاتا ہے اور کورٹس بھی مانتے ہیں،
तो इस वजह से पहले फतवा लेके फिर हम बात करेंगे। तो इस तरीके से और फतवे में बाज़ वक्त फतवा लेने के बाद मसले यही लेवल पे हल हो जाते हैं, वरना बाज़ लोग जो है ऐसी कशाकश मुकदमाबाजी में मुब्तला होते हैं कि पैसा वक्त और ये तमाम बर्बाद होता है और हासिल जो है क्या होता है मुकदमाबाजी के बाद आपको मालूम है। तो बहरहाल विरासत की तकसीम शरीयत की रोशनी में ये अहकाम है। अब आप ये समझिए कि शरीयत की रोशनी माने अहकाम है कुरान मजीद है, कुरान मजीद में जो अहकाम है वही आपको शरीयत के बारे में उसकी तौजीहात पेश की जाएंगी। मैं आज के हमारे मुखरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुफ्ती अब्दुल मईन अजहर अस्कासमी साहब से कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं और हमें अपने जर्रीन ख्याल से इस्तेफादे का मौका दें। दुर्गान मोहतरम, शरीयत इस्लामिया के ये वजाहत करना चाहूंगा कि विरासत कहते किसको है। बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग विरासत के माना और मफहूम गलत समझते हैं या जानते नहीं है कि विरासत किसको कहते हैं। तो जानना चाहिए कि विरासत कहते हैं किसी भी शख्स के इंतकाल के वक्त छोड़े हुए माल को, माले विरासत कहते हैं। चाहे कोई आदमी हो, दुनिया का कोई भी आदमी इंतकाल करता है, इंतकाल के वक्त जितना माल उसकी मिल्कियत में होता है, चाहे साजो सामान की शक्ल में हो, चाहे ज़मीन और जायदाद की शक्ल में हो, चाहे रुपये पैसे की शक्ल में हो, चाहे सोना और जेवरात की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, इंतकाल के वक्त उसकी मिल्कियत में जितना माल होता है वो माल माल विरासत कहलाता है। बाद लोग विरासत का मतलब समझते हैं कि जितना माँ बाप का माल है वो औलाद के लिए विरासत का माल है। बाज़ इस गलत फहमी का भी शिकार होते हैं कि ज़िंदगी, चाहे ज़िंदगी हो चाहे इंतकाल के बाद हो, बाप ने कोई माल कमा लिया है वो उसका माल विरासत है, अगर वो उसको खर्च करना चाहता है तो औलाद की इजाज़त उसके लिए लाजिम और ज़रूरी होती है, वरसा की इजाज़त लाजिम और ज़रूरी होती है। हालाँकि विरासत का ताल्लुक इंतकाल के बाद से है कि जितना माल इंतकाल के वक्त किसी शख्स की मिल्कियत में होगा वो माल माले विरासत कहलाएगा। उस माल को कैसे तकसीम करना है, उस माल को कहाँ खर्च करना है, उस माल के सिलसिले में क्या अहकामात हैं, कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में निहायत वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अहकामात को खोल खोल के इंसानों के सामने बयान कर दिया और बता दिया कि देखो ये अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा वाज़ह अहकामात हैं। फरीज़तम मिन अल्लाह, अल्लाह ने विरासत के सिलसिले में फरमाया कि अल्लाह की तरफ से लाजिम करदा अहकामात हैं। इस विरासत के मसले को अल्लाह ने तुम्हारे अख्तियार पर नहीं छोड़ा है कि तुम अगर अख्तियार करना चाहो और अगर तुम्हारा दिल चाहे कि इन अहकामात को तस्लीम कर लो तो इन अहकामात से भी तुम कुछ इस्तेफादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फरीज़तम मिन अल्लाह, अल्लाह ने इन अहकामात को लाजिम और ज़रूरी करार दिया है, इन अहकामात को मानना और उसको फॉलो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाहिलियत में अजीब तरह का अंदाज था विरासत की तकसीम का। विरासत की तकसीम अमूमन ये कहा जा सकता है कि ताकत नहीं हुआ करती थी वो उस माल तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता था। चुनांचे अमूमन इंतकाल करने वाले का बेटा, इंतकाल करने वाले का भाई, इंतकाल करने वाले का बाप उस पूरे माल को अपने कब्जे में ले लेता था और उसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं समझा जाता था। इंतकाल करने वाले की बेवा, इंतकाल करने वाले की बेटियां या इंतकाल करने वाले के छोटे बच्चे जो अभी कुव्वत के एतबार से बुलूग तक ना पहुंचे हों, अपने आप के लिए मुदाफात करने की उम्र तक ना पहुंचे, अमूमन वो विरासत से महरूम हो जाते थे। चुनांचे एक तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद एक रिवायत से भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत साद इबन रबी जब जंग उहद में शहीद हुए तो पुराने मिजाज के एतबार से उनकी शहादत के बाद उनके भाइयों ने उनके सारे माल को हासिल कर लिया
और उस जमाने में ये कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी, इसलिए कि पूरा दस्तूर यही था कि भाई और बेटे उस माल को कब्जा कर लेते थे। चुनांचे उनके भाइयों ने उनके सारे माल को हासिल कर लिया, उनके सारे माल पर कब्जा कर लिया। हजरत साद इब्न रबी की बेवा इंतकाल जंगे उहद में हुआ, वो शहीद हो गए और उनकी दो बेटियां हैं, इनकी शादी नहीं हुई है और इनके भाइयों ने इनके माल को हासिल कर लिया है। हुजूर अकरम सल्लम ने फरमाया कि इंतजार करो, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल होगा। रब जुलजलाल की तरफ से विरासत के अहकाम नाजिल हुए। हुजूर अकरम सल्लम ने हजरत साद के भाइयों को बुलाया और कहा कि इनके बेटियों को दो तिहाई माल दे दो और एक आठवां हिस्सा माल का, जिसको सुमन कहा जाता है, 1/8 आठवां हिस्सा माल का उनकी बीवी को दे दो। और उसके बाद चूंकि बेटे नहीं हैं और बेटा भी ना हो बाप भी ना हो तो भाई असबा बनता है, बाकी माल भाई को दिया जाता है, इसलिए उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो तुम्हारा होगा। इस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बता दिया कि देखो इंतकाल करने वाले के बेटे भी उसमें हकदार होंगे, बेटियां भी हकदार होंगे, बीवी भी हकदार होगी, छोटे हों या बड़े हों सबको उसमें हिस्सा दिया जाएगा। मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक्रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक्रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर। सूरह निसा की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो कुछ रिश्तेदार माल छोड़ जाए तो मर्दों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा चाहे माल थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, और औरतों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा चाहे माल थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। और फिर वो लोग जो छोटे बच्चों का हक मारते थे और उनकी ज़ौफ और उनकी कमजोरी की वजह से उनको उनके हक से महरूम कर देते थे और ये समझते थे कि इन बच्चों के पास ताकत और कुव्वत नहीं है, ये इनसे हमसे झगड़ा नहीं कर सकते, चुनांचे इस माल में इनका कोई हक नहीं होगा, तो अल्लाह ताला ने वो उसकी भी वजाहत कर दी। वल यख्शा लदीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफन खाफू अलैहिम फलियत्तकुल्लाह वल यकूलु क़ौलन सदीदा। कि वो लोग जो छोटे बच्चों का हक मारते हैं और उनके हक को ज़ाय करके उनके हक को छीन कर इंतकाल करने वाले के सारे माल को हड़प कर जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। वल यख्शा लदीना, उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और इस बात का भी इस्तेज़ार और इस बात का भी एहसास अपने अंदर पैदा करें कि आज तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ है, उसने अपने छोटे बच्चों को अपने वरसा में छोड़ा है, कल तुम्हें भी जाना है और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे वरसा में होंगे। अगर कोई तुम्हारे बच्चों को महरूम करके उनके हक को छीन कर तुम्हारे बच्चों को लावारिस कर दे और तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल परेशानी के आलम में मुब्तला कर दे तो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा, क्या तुम इसको बर्दाश्त कर पाओगे? जब तुम अपने बच्चों के सिलसिले में इस और तुम्हारे सारी जायदाद से तुम्हारे छोटे बच्चों को बेदखल कर दिया जाए और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माल के रहने के बावजूद लावारिसी की जिंदगी गुजारे हैं, तो फिर तुम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हो और तुम ये कैसे अपने आप को मान सकते हो कि दूसरे के इंतकाल करने के बाद तुम उसके बच्चों को महरूम करके उसके सारे माल को हड़प कर जाओ। दुनियावी तौर पर अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने एहसास दिलाया कि देखो अगर इस तरह का तुम निजाम बनाओगे और इस तरह का तुम माहौल बनाओगे कि हर इंतकाल करने वाले के इंतकाल करने के बाद उसके छोटे बच्चों को महरूम कर दिया जाए तो उसका नुकसान दुनियावी तौर पर तुम्हें भी हो सकता है और उखरवी तौर पर वजाहत फरमाई कि इन्ना लदीना याकुलून अमवाल अल्यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। का माल जुल्मन खा लेते हैं और जुल्मन हड़प कर जाते हैं, माल को हड़प किया जा सकता है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने इस माल के जिस कदर अंदेशा था अहमियत के साथ इसके मसाइल को इंसानियत के सामने वाजह कर दिया ताकि इस माल के नाम पर दुनिया में झगड़े पैदा ना हो और इस माल के नाम पर लोग आपसी ताल्लुकात की खराबी का शिकार ना हो
और इस माल के नाम पर लोगों लोग हलाकत और तबाही के दहाने पर न पहुंचे। चुनांचे इब्तिदाए इस्लाम में लोगों को हुक्म दिया गया कि जब तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इंतकाल करने लग जाओ तो तुम पर लाजिम है कि तुम अपने माल के सिलसिले में अपनी जिंदगी में वसीयत कर दो। इब्तिदाए इस्लाम में हुक्म दिया गया था कि हर आदमी अपने माल के सिलसिले में वसीयत कर दे, नॉमिनी कर दे कि नॉमिनेशन तैयार कर दे कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे इस माल के वरासा फलां 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 लोग होंगे, फलां को इतना मिलेगा, फलां को इतना मिलेगा, फलां को इतना मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वारिसीन के लिए वसीयत के निजाम को खत्म कर दिया गया। यह अंदेशा होने लगा कि लोग नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर और मुख्तलिफ दीगर वजूहात की बुनियाद पर वसीयत के मसले में गड़बड़ करने लगेंगे। वसीयत के निजाम को अकरम सल्लम ने ऐलान कर दिया कि इन्नल्लाह कद आता कुल्लज़ी हक़्क़ हक़्क़हु फला वसीयत लिवारिस, कि अल्लाह ने करीबी रिश्तेदारों में से हर वारिस के लिए हक मुतायन कर दिया है। जो आदमी जितने माल का हकदार है अल्लाह ने उसके लिए उतने माल को मुतायन कर दिया है। यही इजाजत नहीं है। चुनांचे जितने करीबी रिश्तेदार हैं माँ बेटा निजाम को खत्म कर दिया गया और वाज़ह तौर पर इन तमाम लोगों में से हर एक का हिस्सा मुतायन कर दिया गया और बता दिया गया कि देखो अल्लाह ने इन तमाम हिस्सों को मुतायन कर दिया है, अब इन हिस्सों को दिल करने का, इन हिस्सों के को हटाकर अपनी तरफ से कोई और ईजाद करने का, कोई और तकसीम करने का अब तुम्हारे लिए इख्तियार नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसीयत के अहकामात बयान करने के बाद साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरुन अय्युहुम अक़रब फ़रीज़तन मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, हैं तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अल्लाह ने इन्हीं वारिसीन के दरमियान तुम्हारे माल को तकसीम करने का हुक्म दिया है और अल्लाह ने इन मसाइल को तुम्हारे अख्तियार पर नहीं छोड़ा है। क्यों? इसलिए कि तुम नहीं जानते कि इन रिश्तेदारों में कौन आदमी तुम्हारा ज्यादा करीबी है और कौन आदमी तुम्हारा कुर्बत में कुछ दूर कर। अगर अल्लाह ताला इस मसले को तुम्हारे जहन और तुम्हारे दिमाग पर और तुम्हारे फैसले पर छोड़ देते तो तुम्हारा यह फैसला आपस में इख्तिलाफात का बायस होता। एक कहता कि मैं इंतकाल करने वाले से ज्यादा करीब हूं इसलिए मुझे इतना मिलना चाहिए, दूसरा कहता कि तुम नहीं, मैं ज्यादा करीब हूं मुझे इतना मिलना चाहिए। अगर अल्लाह ताला मिलने वालों के और मोहब्बत पर इसका दारोमदार रखता है कि इंतकाल करने वाला मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता था इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, दूसरा कहता मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता था इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला इंतकाल करने वाले को ही इसका हिस्सा सौंप देते और कह देते कि तुम खुद इंतकाल से पहले इन तमाम हिस्सों की तायीन कर दो तो उसकी तायीन खुद झगड़ों का बायस बनती, वो परेशान रहता कि मैं अगर फला को ज्यादा दूंगा दूसरा नाराज होगा, फला को ज्यादा दूंगा तीसरा नाराज होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नहीं जानते कि तुम में कौन ज्यादा करीब है, तुम में कौन ज्यादा दूर है, किसका रिश्ता कुर्बत वाला है, किसका रिश्ता कुर्बत वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इनके हिस्सों को मुतय्यन कर दिया है। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तन मिनल्लाह, अब ये विरासत का मसला तुम्हारे इख्तियारी मसला नहीं है, ये विरासत का मसला अब अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा मसला है। इस मसले में अब कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है कि तुम इस सिलसिले में किसी किस्म के रद्दोबदल से काम लो और अल्लाह के बयान करदा मसाइल को हटाकर दुनिया में ताकत और कुव्वत के बलबोते पर तुम अपनी तरफ से इसकी तकसीम करने लग जाओ। फिर अल्लाह ने मजीद वजाहत कर दी इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि देखो अल्लाह ताला बड़ा जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है, उसकी अहकामात हिकमत से खाली नहीं है। अगर जब बाज़ अहकामात तुम्हारे जहन के मुताबिक न उतरते हों, ये तुम्हारे जहन और तुम्हारे अकल की कमी की बात है, वरना अल्लाह ताला का कोई हुक्म इल्म से और अल्लाह का कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। चुनांचे आप विरासत के मसाइल का जायजा लें और उनमें गौर करें। इतने
जबरदस्त और इतने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विरासत की तकसीम कर दी है कि अगर कोई आदमी अपने मसले को हल कराने के लिए कुरान मजीद और अहादीस मुबारका का सहारा ले तो फिर किसी तरह का कोई झगड़ा और किसी तरह का किसी तरह की कोई उलझन और किसी तरह की कोई ऐसी टेंशन बाकी नहीं रह जाती है कि जिसके सिलसिले में इंसान किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन का शिकार हो कि फला माल को क्या किया जाए और फला माल को कैसे खर्च किया जाए और फला माल किसकी मिल्कियत में जाएगा। चुनांचे साफ साफ अंदाज में बयान कर दिया गया कि पहले मरहले में कौन आदमी विरासत का हकदार होगा और अगर फला लोग फला वरासा ना हो तो फिर किसको दिया जाएगा और अगर वो भी ना हो तो फिर किसको दिया जाएगा। सारी तफसील स्टेप बाय स्टेप वजाहत के साथ बयान कर दी गई। चुनांचे सबसे पहले वाज़ह अंदाज में बयान किया गया कि देखो बुनियादी तौर पर विरासत के जो मुस्तहिक हैं और विरासत के जो हकदार हैं वो छह किस्म के लोग हैं, जो कभी भी विरासत से महरूम नहीं होते, जब भी होते हैं विरासत में कोई ना कोई हिस्सा इनका जरूर होता है। कौन से छह लोग हैं? बेटा, बेटी, माँ, बाप, बीवी और शौहर। ये छह किस्म के ऐसे लोग हैं जो विरासत से कभी भी महरूम नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये वरासा हो और किसी दूसरे वारिस की वजह से इनको महरूम कर दिया गया। ये छह किस्म के जो लोग हैं वो हमेशा विरासत में हिस्सा पाते हैं। अब इनके अलावा और भी वरासा हैं जो कभी हिस्सा पाते हैं और कभी महरूम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर दादा है, बाप अगर नहीं है तो दादा को हिस्सा मिलेगा। पोता है, बेटा अगर नहीं है तो पोते को हिस्सा मिलेगा, बेटा अगर है तो पोता विरासत से महरूम हो जाएगा। भाई है, अगर बेटे मौजूद हैं तो भाइयों को विरासत से, बेटे या बाप मौजूद हैं तो भाइयों को विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर बेटा पोता बाप दादा कोई भी नहीं है तो बाप को हिस्सा मिलेगा, भाइयों को हिस्सा मिलेगा। भाइयों के बच्चे हैं, अगर बाप दादा बेटा पोता और इसी तरह भाई नहीं है तो भाई के बच्चों को हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन कर दिया है कि फला वरासा अगर होंगे तो दूसरे महरूम होंगे, उसके बाद के दर्जे के अगर होंगे तो तीसरे महरूम होंगे, उसके बाद के अगर होंगे तो चौथे महरूम होंगे। इस तरीके से अल्लाह ताला ने पूरे वजाहत के साथ पूरे निज़ाम को मुतय्यन कर दिया है। इस मुख्तसर सी मजलिस में विरासत के पूरे मसाइल को आपके सामने वाज़ह अंदाज में नहीं बयान किया जा सकता और विरासत के जो मसाइल हैं वो एक किस्म की खुशकी अपने अंदर रखते हैं और वजाहत अपने अंदर रखते हैं। इस मजलिस का मकसद विरासत के सारे मसाइल को आपके सामने बयान करना नहीं है बल्कि विरासत के सिलसिले में शऊर का पैदा करना है कि विरासत का ताल्लुक इख्तियारी नहीं है बल्कि विरासत का ताल्लुक लाजमी और ज़रूरी है। इतना शोर अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए और इतना एहसास अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें कि जब भी विरासत की तकसीम का मसला आएगा हम इस मसले को हल कराने के लिए इलाके के और ख़ानदान के ताकतवर लोगों की तरफ रुजू नहीं होंगे, हम इन मसाइल को हल कराने के लिए कोर्ट और कचहरियों की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि इन मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में और अहादीस मुबारक में वाज़ह तौर पर रखा है। इन मसाइल को हम कुरान मजीद से और अहादीस से हल करेंगे, खुद नहीं कर सकते हो तो हल करना जो लोग हल करना जानते हैं उनसे रुजू होंगे और उनसे मसाइल को हल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम मुश्किलात और ये तमाम झंझटें और ये तमाम परेशानियां जिनमें आज कौम गिरती चली जा रही है और जिसका कौम शिकार हो रही है इन तमाम चीजों से इंशाल्लाह हम निजात हासिल करेंगे और इन तमाम मसाइल का इंशाल्लाह हमें हल नजर आएगा। विरासत के सिलसिले में पाई जाने वाली चंद अहम कोताहियों की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराते हुए अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा मुआशरे में विरासत के सिलसिले में खसूसियत के साथ जो कोताहियां पाई जा रही हैं उनमें एक बड़ी कोताही ये है कि जमाने जाहिलियत में जिस तरह से इंतकाल करने वाले के बेटे और इंतकाल करने वाले के भाई औरतों को विरासत से महरूम कर देते थे, बेआईनी आज के जमाने में इंतकाल करने वाले के बेटे अपनी बहनों को विरासत से महरूम कर देते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत ही शाज़ो नादिर पाई जाती हो बल्कि ज़माने के गुजरने के साथ साथ इसका चलन और इसका रिवाज आम होता चला जा रहा है और लोग ये समझने लगे हैं कि विरासत का मतलब ये है कि बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को वो माल पूरा दे दिया जाएगा, थोड़ा बहुत माल उनके माँ बाप को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत माल अगर बेटा मुनासिब समझे तो बीवी को दे दिया जाएगा। वरना विरासत का मतलब लोगों के जहन में यही है कि बाप की अगर कोई कंपनी थी उसका इंतकाल हो गया तो बेटा उस कंपनी का मालिक है।
باپ کی اگر کوئی جائیداد تھی کوئی کھیتی باڑی تھی باپ کا انتقال ہو جائے وہ سارا مال کسی کی اجازت کے بغیر بیٹا خود اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے اور پھر اس میں اپنی کمائی کے اور اپنے روزگار کے ذرائع وہ خود پیدا کر لیتا ہے. اسے کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ جو مال میں استعمال کر رہا ہوں کیا وہ سارا کا سامرا مال میری ملکیت ہے یا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہیں جس میں ان کو حصہ دیا جانا چاہیے. چنانچہ واضح طور پر بیٹے بڑے آرام کے ساتھ کہنے لگے کہ باپ کو جتنا دینا تھا انہوں نے شادی کے موقع پر تمہیں دے دیا ہے, اب اس مال میں تمہارا کوئی حق نہیں. بزرگان محترم, جاننا چاہیے کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی مال دیتا ہے تو اس مال کی وجہ سے انتقال کے بعد اس کی وراثت کا حصہ کم نہیں ہوتا. زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے درمیان مال تقسیم کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد برابر برابر مال تقسیم کرے. بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی مصلحت کے اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ یا کسی کو کم نہ دے, اس لیے کہ یہ چیز آپس میں جھگڑے پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے. لیکن یہ جو حکم ہے یہ حکم اختیاری ہے. اس حکم کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے اولاد میں سے کسی کو زیادہ دے دیتا ہے تو زندگی میں کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو مال کا کچھ حصہ دے دینا اس کو وراثت کے حق سے محروم نہیں کرتا. کسی کے پانچ بیٹے ہیں, زندگی میں کسی نے اگر اپنے پانچ بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو کچھ مال دے دیا تو انتقال کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ نے اپنی زندگی میں تمہیں اتنا مال دے دیا تھا, اب انتقال کے بعد تمہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, وہ جو مال باپ نے تمہیں زندگی میں دے دیا وہی تمہارا مال ہے. اس طرح کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے. اس لیے کہ وراثت کا تعلق انتقال کے بعد سے ہے. زندگی میں جو کچھ مال دیا گیا وہ انتقال کے بعد کی وراثت میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے اولاد میں سے کسی کو مال دیتا ہے اس نیت سے کہ دیگر لوگ اس مال سے محروم ہو جائیں تو یہ اس کے لیے وبال ہے اور اس کے لیے گناہ کا باعث ہے کہ اس نے وارثین کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے دنیا میں ایک آدمی کو اور ایک وارث کو زیادہ مال دے دیا. وہ اس کی سزا اللہ کے یہاں بھگت لے گا, لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے انتقال کے بعد دیگر وارثین میں سے اس آدمی کو الگ نہیں کر دیا جائے گا. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر جہیز کے نام پہ یا کسی اور نام سے کچھ رقم دیتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ جہیز کے نام سے یا جوڑے کی رقم سے نہ پیسے دینا کیسا ہے, یہ مستقل ایک مسئلہ ہے, اس کے لیے ایک الگ نشست کی ضرورت ہے. میں یہاں اتنا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو مختلف ناموں سے کچھ مال اگر زندگی میں دیتا ہے تو زندگی میں یہ مال کا دینا انتقال کے بعد اس کو وراثت کے حق سے محروم نہیں کرتا. انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے جتنا حصہ وراثت میں اس کے لیے متعین کیا ہے وہ لڑکی وہ بیٹی اس وراثت کے حق کی اور اس وراثت کے حصے کی حقدار ہوگی. دوسری بات, ایک عجیب قسم کا رواج لوگوں میں چلنے لگا ہے اور مختلف اخبارات میں بار بار دیکھنے میں آتا ہے کہ میں نے اپنے اولاد میں سے فلا بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے آخ کر دیا, اب میرے انتقال کے بعد میری وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور کسی طرح کا کوئی حصہ اسے نہیں دیا جائے گا. بزرگان محترم, یہ آخ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے کو ہمارا اپنا اختیاری مسئلہ نہیں بنایا ہے کہ ہم جن سے خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے ان کو اپنے ورثاء کے لیے نامزد کریں گے اور ہم جن سے ناراض ہوں گے اپنے ورثاء کی لسٹ میں سے ان کے حصے کو ہم کٹ کر دیں گے اور ان کے نام کو اپنے ورثاء کی لسٹ میں سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی گنجائش ہمارے لیے نہیں رکھی ہے. انتقال کے بعد کے سلسلے میں ہم ابھی سے تعین نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد فلاں آدمی میرے مال کا وارث ہوگا اور میرے انتقال کے بعد فلاں آدمی میرے مال کا وارث نہیں ہوگا. اس طرح کی کسی وضاحت کی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گنجائش نہیں رکھی ہے. اسی لیے وہ لوگ جو اس طرح کا عمل کرتے ہوں کہ اپنی اولاد کو اپنے مال اور اپنے وراثت سے محروم کرتے ہوں, انہیں جاننا چاہیے کہ شرعاً اس عمل کی کوئی گنجائش نہیں. اولاد نافرمان ہے, اولاد باپ کی نافرمانی کرتی ہے, اس کی مخالفت کرتی ہے, وہ اپنی سزا اللہ کے یہاں بھگتے گی اور اس نافرمانی کا جو انجام اور جو وبال ہوگا وہ ساری وعیدیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے ورثاء میں سے کسی کو وراثت کے حق سے محروم کر دے. وراثت کا حصہ, وراثت کا حق
अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा हक है और इस तायुन में किसी तरह के रद्दोबदल और किसी तरह की तरमीम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुंजाइश नहीं रखी है। विरासत के साथ ताल्लुक रखने वाला एक अहम मसला वसीयत का भी है कि वसीयत का मतलब यह है कि वो काम जो इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सका और उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये काम कर लूँ लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में इसका मौका नहीं मिला कि वो उस काम को मुकम्मल कर सके, तो इस सिलसिले में इंसान चाहता है कि मैं वसीयत कर दूँ ताकि मेरे इंतकाल के बाद मेरे माल में से इस काम को अंजाम दिया जा सके, उसको वसीयत कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसीयत की गुंजाइश भी रखी है लेकिन उसकी भी तहदीद कर दी गई है, उसकी भी तायीन कर दी गई, उसकी भी लिमिट बयान कर दी गई है कि इतनी लिमिट में तुम वसीयत कर सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 एक तिहाई माल की तहदीद कर दी है, एक तिहाई माल की लिमिट बयान कर दी है कि अगर कोई आदमी अपने माल के सिलसिले में वसीयत करना चाहता है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे फला माल को फला जगह और फला मकाम पर खर्च करो, तो कितने माल के सिलसिले में इंसान वसीयत कर सकता है? 1/3 एक तिहाई माल के सिलसिले में इंसान को इख्तियार है कि एक तिहाई माल के सिलसिले में वसीयत कर ले कि मेरे इंतकाल के बाद ये माल तुम फला साहब को दे दो, उसमें मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, गुराबा को दो, यतीमों को दो, वो सारे काम मिलाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया कि वो सारे काम 1/3 के अंदर अंदर होंगे। एक तिहाई माल से ज्यादा की वसीयत की गुंजाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखी है। एक सहाबी का इंतकाल होने वाला था, वो बिल्कुल करीबुल मौत थे, मरजुल वफात में वो पड़े हुए थे, तो उन हुजूर अकरम सल्लम उनकी इयादत के लिए पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लम जब इनकी इयादत के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, भाई बहन वगैरह है, मेरे इंतकाल के बाद मेरा ये माल मुख्तलिफ लोगों में तकसीम हो जाएगा, मैं ये चाहता हूँ कि अपने सारे माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च कर दो। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, सारे माल को खर्च करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल 2/3 माल, 2/3। हुजूर ने कहा कि नहीं, 2/3 की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आधा माल खर्च करना चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में। उन्होंने कहा कि नहीं, आधे की भी नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, 1/3 माल खर्च करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अस्सुलुस वस्सुलुसु कबीर, 1/3 माल की इजाजत है और वो 1/3 भी ज्यादा है। तुम्हारे लिए बेहतर तो यह है कि तुम उससे भी कम की वसीयत करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर हुजूर ने फरमाया, इन्नका अंतज़रा वरसतका अग्निया खैरम मिन अंतज़रहुम आइलतन यतकफ़फ़ूनन नास, कि तुम्हारा अपने वरसा को इस हालत में छोड़ना कि वो लोगों से बेनियाज हो और तुम्हारे माल की वजह से उनकी जरूरत की तकमील हो जाती हो, ये अल्लाह को ज्यादा महबूब है इसके मुकाबले में कि तुम अपने सारे माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो और तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे लोगों के दरमियान हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं और अजीब तरह की बेबसी और तंगदसी के आलम का वो शिकार हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि वसीयत की अल्लाह ने इजाजत दी है लेकिन 1/3 ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है। 1/3 से ज्यादा की वसीयत करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी शख्स के लिए गुंजाइश नहीं रखी है। चुनांचे वसीयत की इजाजत दी गई है कि जो आदमी वसीयत करना चाहता हो और अपने वारिसीन, अलबत्ता इसमें इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता हो तो अपने वारिसीन के लिए वसीयत को उसको इजाजत नहीं। वो आदमी जो पहले से उसके माल का वारिस बन रहा है, अल्लाह ने उसका हिस्सा पहले से मुतय्यन कर दिया है, अगर वो वसीयत नहीं भी करेगा तब भी उसको उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। इसीलिए जो आदमी पहले से उसके माल का मालिक है उसको वसीयत करने की इजाजत नहीं है। चुनांचे अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरे माल में से 1/3 माल मेरी बेटी को दे दो तो उसकी इस वसीयत का एतबार नहीं होगा। मेरे माल में से 1/3 माल मेरे बाप को दे दो, उसकी इस वसीयत का एतबार नहीं होगा। चुनांचे वसीयत के सिलसिले में हुजूर ने फरमाया हजतुल वदा के मौके पर कि अल्लाह ने हर वारिस के लिए उसके हिस्से को मुतय्यन कर दिया, चुनांचे वारिसीन के लिए वसीयत की इजाजत नहीं, 1/3 से ज्यादा के लिए वसीयत की इजाजत नहीं, 1/3 के अंदर अंदर वारिसीन के अलावा के लिए अगर कोई आदमी वसीयत करना चाहता है तो उसकी गुंजाइश है। अलबत्ता एक मसला यहां पर यह है कि एक आदमी है जो कभी वारिस बनता है कभी वारिस नहीं बनता, मिसाल के तौर पर पोतरा है। पोते के सिलसिले में यह है कि अगर बेटा होगा तो पोते को विरासत में नहीं मिलेगा और अगर बेटा नहीं होगा तो पोते को विरासत में हिस्सा मिलेगा। अब अगर बेटे मौजूद हैं किसी इंतकाल करने वाले के तो वो आदमी अगर पोतरे के लिए वसीयत करना चाहता है तो उसकी गुंजाइश है। क्यों? इसलिए कि उसके इंतकाल के बाद उसका पोतरा महरूम हो रहा है और ऐसे महरूम आदमी के लिए अगर कोई वसीयत करना चाहता है तो उस वसीयत की गुंजाइश है। इस मसले की जरूरत बहुत सारी मरतबा वहां पेश आती है
जहां पर एक इंतकाल करने वाले के चार बेटे जिंदा होते हैं और एक बेटे का इंतकाल हो चुका होता है और इंतकाल होने के जिंदा होते हैं। अब विरासत का मसला ऐसा है कि इंतकाल करने वाले का चाहे कोई बेटा हो, अगर कोई भी बेटा होगा तो सारे पोतरे विरासत से महरूम हो जाएंगे। चूंकि इंतकाल करने वाले के चार बेटे हैं और एक बेटे का इंतकाल हो गया है और जिस आदमी का इंतकाल जिस आदमी की विरासत तकसीम की जा रही है उसके इंतकाल से पहले जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है उन लोगों का विरासत में हिस्सा नहीं निकाला जाता। चुनांचे जिस बेटे का इंतकाल हो चुका है उसकी औलाद विरासत से महरूम रहेगी, उसकी औलाद को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। चुनांचे अगर कोई इंतकाल करने वाला ऐसे पोतरे के लिए वसीयत करता है जो पोतरा महरूम हो रहा है, जिस पोतरे के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, तो शरीयत इसकी इजाजत देती है कि ऐसे पोतरे के लिए वो वसीयत कर सकता है। इस मसले की बाज़ मरतबा जरूरत पड़ती है, चुनांचे इस सिलसिले को और इस सिलसिले की गुंजाइश को हमें मद्देनजर रखना चाहिए और मलहूज रखना चाहिए। एक मसले की जरूरत पड़ती है, मुंह बोला बेटा। एक आदमी है जिसने किसी ऐसे बच्चे को जो उसका बेटा नहीं है अपने अपना बेटा बना लिया, जिसको मुंह बोला बेटा कहा जाता है। शरीयत में मुंह बोले बेटे के लिए विरासत नहीं दी जाती, विरासत में इस बच्चे का कोई हक नहीं होता। चुनांचे अगर कोई इंतकाल करने से पहले इस बच्चे के लिए 1/3 से कम की वसीयत करना चाहता है तो उसके लिए गुंजाइश है और इजाजत है कि 1/3 से कम के लिए वो उस बच्चे के लिए वसीयत कर सकता है। शौहर बीवी के लिए वसीयत नहीं कर सकता, बीवी शौहर के लिए वसीयत नहीं कर सकती। आदमी अपने माँ बाप के लिए और ऐसे वारिसिन के लिए जो पहले से विरासत के हकदार बन रहे हैं ऐसे लोगों के लिए वसीयत नहीं कर सकता। अब मसला यह है कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसने अपने वारिसिन में मुख्तलिफ किस्म के वरासा छोड़े, अब इसके माल को किस तरह से तकसीम करना है, तो तकसीम करने के सिलसिले में जो तरतीब है उस तरतीब को मद्देनजर रखें और उस तरतीब को मलहूज रखें कि इंतकाल करने के बाद सबसे पहले उसके छोड़े हुए माल से तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम किए जाएंगे। उसके कफन वगैरह के खरीदने का मसला है, अगर ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन के खरीदने का मसला है। ये ज़रूरी जो अखराजात होते हैं ये अखराजात उसके माल में से लिए जाएंगे। ज़रूरी अखराजात मैं कह रहा हूँ, चुनांचे वो अखराजात जो गैर ज़रूरी होते हैं और लोग अपने तौर पर पैदा कर लेते हैं, इंतकाल के बाद तीसरे दिन एक बड़ी दावत कर रहे हैं, 40वें दिन एक बड़ी दावत कर रहे हैं, ये सब अखराजात इंतकाल करने वाले के माल में से नहीं लिए जाएंगे। इंतकाल करने वाले के माल में से ज़रूरी अखराजात यानी उसके तजहीज़ व तकफीन का नज़म, उसके कफन का नज़म, उसकी ज़मीन वगैरह का नज़म, ये ज़रूरी अखराजात उसके छोड़े हुए माल में से लिए जाएंगे। और फिर दूसरे नंबर पर सबसे पहले उसके कर्ज को अदा किया जाएगा। जितना कर्ज उसने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों से लिया है वो सारे कर्ज को पहले अदा किया जाएगा। कर्ज की तकमील तक किसी भी वारिस का कोई हिस्सा इसमें मुतय्यन नहीं होगा। दूसरे नंबर पर कर्ज अदा किया जाएगा और तीसरे नंबर पर बकिया माल के 1/3 में से वसीयत को अदा मुकम्मल किया जाएगा। बकिया माल के 1/3 में से यानी कर्ज अदा करने के बाद जितना माल बच जाएगा उस बचे हुए माल के 1/3 में से वसीयत को अदा किया जाएगा। अब जब वसीयत कर्ज वगैरह सब मसाइल खत्म हो जाएं तो फिर शरीयत ने जिस वारिस के लिए जितना हिस्सा मुतय्यन किया है उस वारिस को उससे उसके हिस्से के मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, बीवी के लिए, बेटी के लिए और दीगर रिश्तेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हिस्से मुतय्यन फरमाए हैं इन हिस्सों को अल्लाह ताला के बयान करदा हुदूद के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। अल्लाह ताला ने विरासत के इन तमाम मसाइल को बयान करने के बाद वजाहत के साथ इरशाद फरमाया कि तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहारु खालिदीन फीहा वदालिकल फौजुल अजीम। के लोगो, ये जो अल्लाह ने मसाइल बयान किए हैं ये अल्लाह के मुतय्यन करदा हुदूद हैं, ये अल्लाह के बयान करदा बॉर्डर्स हैं। जो आदमी अल्लाह के इन मुतय्यन करदा हुदूद की रियायत करता है और अल्लाह के इन बयान करदा मसाइल की रियायत करता है और इसी के मुताबिक अपने मुख्तलिफ उमूर को अंजाम देता है वो आदमी वाकई में कामयाब इंसान है। अल्लाह ताला उसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी और ये बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन। वो लोग जो इन मसाइल के सिलसिले में नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करते हैं और अल्लाह ताला के बयान करदा मसाइल की मुखालफत करते हैं और इसके खिलाफ
अपने तौर पर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ने जो जिन लोगों का जो हिस्सा मुतय्यन किया है उनको उनके हिस्सों से महरूम कर देते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है, और जो आदमी जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार किया जाएगा वो बड़ी हलाकत का शिकार होगा और बड़े जिल्लत खेज अजाब में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, हम ये एहसास अपने अंदर पैदा करें कि विरासत का जो मसला है वो मसला हमारा इख्तियारी मसला नहीं है। इन मसाइल को सीखने की, इन मसाइल को जानने की और इन मसाइल को समझने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत के सिलसिले में बार बार लोगों को मुतनब्बे किया कि तअल्लमुल फराइज वअल्लिमुहन नास, के लोगों विरासत के मसले सीखो, विरासत के मसले दूसरों को सिखाओ। इसलिए कि क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आने वाला है जब लोग मुतय्यना हिस्से के सिलसिले में, ऐसा हिस्सा जिसे अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर मुतय्यन कर दिया है, मुतय्यना हिस्से के सिलसिले में आपस में झगड़ा करने लगेंगे। हालांकि वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल मुतय्यन कर दी गई है, मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि उस सिलसिले में आपस में झगड़े पैदा करें और उस सिलसिले में आपस में अपने अहकाम लागू करने की कोशिश करें। लेकिन क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा कि अल्लाह की तरफ से इतनी वजाहत के साथ तायीन के बावजूद लोग विरासत के मोटे मोटे मसाइल के सिलसिले में आपस में झगड़े करने लगेंगे, और नतीजा ये होगा कि किसी ऐसे आदमी को वो नहीं पाएंगे जो उनके दरमियान शरीयत के मुताबिक विरासत को तकसीम कर सके। क़यामत के करीब इस तरह का ज़माना आ जाएगा कि कुरान मजीद में इतनी वजाहत के बावजूद कोई आपस में ऐसे आदमी को नहीं पाएंगे जो उनके दरमियान विरासत के मसाइल को मुतय्यना तौर पर और वाज़ह तौर पर उनके दरमियान तकसीम कर सके। चुनाचे नतीजा ये होगा कि लोग जाहिलों से और नादानों से इन मसाइल को हल करने लगाएंगे, और जब नादानों और जाहिलों से ये मसाइल हल करवाए जाएंगे नतीजा ये होगा कि फजल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे, खुद भी बर्बाद और हलाक होंगे और दूसरों के लिए भी बर्बादी और हलाकत का सामान पैदा करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, आज अगर हम अपने माशरे का जायजा लें, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़ी जायदादें बहस इस वजह से अदालतों के फैसले के मुंतजर हैं कि उन्होंने शरीयत इस्लामिया के अहकाम को तस्लीम नहीं किया। अगर वो पहले मरहले में, जैसा कि अभी हमारे मौजूद बुजुर्ग ने फरमाया कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि अगर हम उस सिलसिले में फतवा हासिल कर लेते हैं तो पहले ही नशिस्त में वो मसला हल हो जाता है। उस सिलसिले में किसी किस्म के झगड़े की, किसी किस्म के फैसले की, किसी किस्म के नशिस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि अल्लाह ने विरासत के मसले को कोई ऐसा गुंजलक नहीं बनाया है कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई खिफा हो, कोई पोशिदगी हो कि फला आदमी है जो वारिसीन में है और उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए, बहुत मुश्किल हो रही है। अल्लाह ने ऐसा मसला छोड़ा ही नहीं है, वजाहत के साथ स्टेप बाय स्टेप बयान कर दिया कि फला नहीं होंगे तो फला होंगे, फला नहीं होंगे तो फला होंगे, फला नहीं होंगे तो फला होंगे, बस सारा मसला हल हो जाएगा और सारा माल आपस में तकसीम कर दिया जाएगा। चुनांचे इतनी वजाहत के बावजूद अगर हम इन मसाइल को शरीयत इस्लामिया की रोशनी में हल करने कराने के बजाय मुख्तलिफ किस्म के बहादुर और मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर लोगों से हल करवाने लगे तो फिर ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिनगोई की तकमील होगी जो हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो विरासत के वाज़ह मसले के सिलसिले में आपस में झगड़ने लगेंगे और कोई ऐसे आदमी को नहीं पाएंगे जो उनके दरमियान शरीयत के मुताबिक विरासत को तकसीम कर सके। चुनांचे नतीजा ये होगा कि जाहिलों को अपना सरदार बनाया जाएगा और फजल्लू वाज़ल्लू सबब और दूसरों के लिए गुमराही का बाइस बनेंगे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में अपने अंदर शऊर पैदा किया जाए, अपने खानदान में जब भी विरासत का कोई मसला पैदा हो सबसे पहले के अहकाम की रोशनी में यह तकसीम अमल में आए और तमाम वरासा का यह जहन बनाया जाए कि अल्लाह जो अहकाम हमारे लिए लिखे हैं और अल्लाह ने जो अहकाम हमारे लिए बयान किए हैं हम उन अहकाम को तस्लीम कर लेंगे, उसी में हमारे लिए आफियत है, दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। इस तरह का एहसास और इस तरह का शऊर जब हमारे अंदर पैदा होगा तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म के वो झगड़े जिनकी वजह से रिश्तेदारियां बर्बाद हो रही हैं, जिनकी वजह से खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है और जिनकी वजह से लोग उलझनों का शिकार हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम उन तमाम चीज़ों से नजात हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह का इस्तेज़ार और इस तरह का जज्बा और इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर पैदा फरमाए। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल फरमाइए। अगर छोटा बच्चा अगर कोई होगा तो तमाम वरासा का उस सिलसिले में इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर तमाम वारिसीन बालिग हैं और तमाम वारिसीन बड़े हैं, अब अगर वो तमाम वारिसीन आपसी इत्तेफाक से
अपने माल विरासत में से किसी खास माल को किसी रास्ते में खर्च करना चाहते हैं तो शरीयत उसकी इजाज़त देती है। और अगर वारिसीन में से कोई शख्स ये कहता है कि मैं अपने विरासत के अक्सर दस्तबरदार हो जाता हूँ, अगर वो अपने आप को विरासत के अक्सर दस्तबरदार कर लेता है तो उस भाई को छोड़कर दीगर जितने भाई और बहन होंगे उनके दरमियान उसी तरह से विरासत तकसीम की जाएगी जिस तरह से वो भाई अगर मौजूद ना होता तो विरासत तकसीम होती। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसने अपने इंतकाल के बाद अपने वारिसीन में एक बीवी, दो बेटे और दो बेटियाँ छोड़ी, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, एक बीवी, दो बेटे और दो बेटियाँ उसने छोड़ी। अब अगर बेटा ये कहता है कि मैं विरासत में हिस्सा नहीं लेता, तो जाब्ते के हिसाब से असल मसला तो ये है कि अगर कोई आदमी इंतकाल कर जाए और इंतकाल के वक्त उसके वारिसीन में बीवी है, दो बेटे हैं और दो बेटियाँ हैं, तो बीवी को सबसे पहले आठवां हिस्सा दे देते हैं, इसलिए कि अगर किसी इंतकाल करने वाले की औलाद मौजूद है तो बीवी को आठवां हिस्सा मिलता है, बीवी को आठवां हिस्सा दे देंगे। फिर जो माल तक बच जाएगा उस माल में हर बेटे को दो बेटी के बराबर रख देंगे। इसका मतलब ये है कि दो बेटे दो बेटियां हैं तो दो बेटे चार बेटों के बराबर हो गए, दो बेटियां दो बेटियों के बराबर हो गए। सबसे पहले माल में से आठवां हिस्सा बीवी को दे दिए, फिर जो माल बच गया उसमें दो बेटे चार के बराबर और दो बेटियां दो के बराबर, कुल माल के छह हिस्से कर देंगे, दो दो हिस्से एक एक बेटे को देंगे और एक एक हिस्सा एक एक बेटी को देंगे। अब अगर एक बेटा कहता है कि मुझे माल में से हिस्सा नहीं चाहिए, तो अब बीवी को आठवां हिस्सा देने के बाद जो माल बच जाएगा उस माल में छह के बजाय चार हिस्से करेंगे, दो हिस्से एक बेटे को दे देंगे और एक एक हिस्सा एक एक बेटी को दे देंगे। इस तरह से विरासत की तकसीम हो जाएगी। अगर कोई आदमी अपने आप को विरासत से दस्तबरदार करना चाहता है तो उसको इस तरह से शुमार किया जाएगा कि जिस तरह से वारिसीन में से वो है ही नहीं, लेकिन इस तरह करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह की तरफ से चूंकि ये हुक्म दिया गया है और अल्लाह की तरफ से ये हिस्सा मुतय्यन किया गया है, इसलिए इस हिस्से को लेने में कोई हर्ज नहीं है। हर वारिस को चाहिए कि वो अपने माल पर पहले कब्जा कर ले, उसके बाद चाहे उसको जिस तरह खर्च करना हो खर्च करे, अल्लाह ने उसके लिए जो हिस्सा मुतय्यन किया है उस माल को हासिल कर ले। अब अगर चाहे तो अपने भाई बहनों में तकसीम कर दे, अब अगर चाहे तो अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च कर दे, अब अगर चाहे तो उसको कुछ भी उसका नज़म करे, लेकिन अल्लाह ने जो हिस्सा जिसके लिए मुतय्यन किया है मुनासिब ये है कि वो अपने हिस्से को हासिल कर ले। जिंदगी में इस तरह की वजाहत का एतबार नहीं, मैंने इस तरह की सवाल उनका क्या है, सवाल आपका ये है कि अगर किसी इंतकाल करने वाले ने अपने जिंदगी ही में मुतय्यन कर दिया कि मेरी औलाद में फला फला इनको मैंने जिंदगी में दे दिया है, अब इंतकाल के बाद इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो मैंने इसलिए सबसे पहले जिस बात की वजाहत की थी वो यही थी कि विरासत का मतलब ही है इंतकाल के बाद का माल। तो जिंदगी में जो माल जिस वारिस को दिया जाए इंतकाल के बाद उस माल का कोई हिसाब नहीं होगा, इंतकाल के बाद जिंदगी में दिए जाने वाले माल की वजह से किसी वारिस का कोई हिस्सा कम नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई इंसान कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने औलाद के दरमियान माल तकसीम करना चाहता है तो सबको दे दे, एक को दे दूसरे को ना दे, इस तरह का काम ना करे। अगर जिंदगी में कोई तकसीम करना चाहता है ठीक है तकसीम कर ले जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में तकसीम करने का तरीका यह है कि सबको दे दे, एक को दे रहे हैं जिंदगी में और दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि तुम जिंदगी में ना लो तुमको इंतकाल के बाद मिलेगा, इस तरह की शरीयत में गुंजाइश नहीं। अगर जिंदगी में देना चाहते हैं तो सबको जिंदगी में दे दो, जिंदगी में नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दो, इंतकाल के बाद जिसका जो हिस्सा होगा वो खुद ब खुद अपना हिस्सा हासिल कर लेगा। ठीक है, सवाल ये है ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ जी अभी एक इस तरह के जो बारीक मसाइल होते हैं ये बारीक मसाइल ज़बानी तौर पे नहीं समझाए जा सकते। मैं ज़बानी तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़बानी तौर पर ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें जहन में जाती है, बहुत सारी बातें खारिज हो जाती है। ये मसाइल तहरीरी तौर पर दारुल इफ्ता से हासिल किए जाते हैं। उमूमत जो विरासत के बारीक, मैंने बहुत सारे मसाइल विरासत के महज इसलिए आपके सामने वजाहत के साथ बयान नहीं किए कि विरासत के मसाइल ऐसे हैं कि ज़रे से फ़र्क की वजह से उसमें हुक्म की तब्दीली हो जाती है। अब अगर मैं एक हुक्म आपके सामने बयान कर दूं वो चीज़ आपके जहन में होती है,
उससे मिलती जुलती जो शक्ल आपको नजर आएगी, आप ये समझने लगेंगे कि यहाँ पर भी वही हुक्म है जो पीर के दिन मजलिस में बयान किया गया था। हालांकि विरासत में जरे जरे से फर्क से अहकाम बदल जाते हैं। इस वजाहत के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी साहब ने जिंदगी, आपका सवाल ये था कि अगर जिंदगी में कोई आदमी के दो बीवियाँ हैं, एक बीवी को उसने जिंदगी में माल दे दिया है और दूसरी बीवी को उसने जिंदगी में कोई माल नहीं दिया, अब पहले आदमी एक उस मूरिस का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, नहीं थी, बड़ी बीवी का भी इंतकाल हो गया, छोटी बीवी, तो उस घर में उस छोटी बीवी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? पहले एक साहब ने अपनी बड़ी बीवी को एक घर दे दिया, उसके बाद वो साहब का इंतकाल हो गया, कुछ दिनों के बाद वो बड़ी बीवी का भी इंतकाल हो गया, अब रह गई एक छोटी बीवी, छोटी बीवी को उन्होंने कुछ नहीं दिया था ज़िंदगी में, अब उस घर में उस छोटी बीवी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? इस सिलसिले में वजाहत ये है कि बड़ी बीवी को जो उन्होंने घर नाम पर किया था, उसकी दो शक्लें, एक तो ये कि खाली नाम पर कर दिया था, बहुत सारे लोग नाम पर कर देते हैं हुकूमत की मुख्तलिफ चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन मालिक नहीं बनाते हैं, ज़िंदगी में कब्ज़ा नहीं देते, मालिक नहीं बनाते और ज़िंदगी में कब्ज़ा नहीं देते। कब्ज़े का बहुत ज़्यादा एतबार है मिल्कियत के सिलसिले में, वो जायदाद जो गैर मनकुला होती है, यानी वो चीज़ें जो इमारत वगैरह है, खेत है, ज़मीन है, इन चीज़ों के सिलसिले में कब्ज़े का होना ज़रूरी है, कब्ज़े के साथ है, अगर कब्ज़े के साथ है तो ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी बीवी को जो घर दिया है वो बड़ी बीवी की मिल्कियत में चले गया, अब उसमें उन साहब का कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है। अब जब बड़ी बीवी का इंतकाल होगा तो बड़ी बीवी के जो वारिसीन हैं वो उसके हिस्सेदार होंगे, उनके शौहर के जो वारिसीन हैं वो उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे। और कोई क्वेश्चन विरासत के सिलसिले में अगर मोटी मोटी कोई बातें अगर आप पूछना चाहते हो तो वो पूछ ले। कब्जा अगर नहीं होगा तो फिर वो उन्हीं साहब की मिल्कियत में होगी और जो इंतकाल करने वाले साहब है उनके वारिसिन में वो जो है तकसीम की जाएगी, चुनाचे छोटी बीवी को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। कब्जा अगर नहीं हुआ जी हजरत मुखरिज साहब ने दरिया को कूजे में बंद किया है, मुझे यकीन है कि हम में कई लोग ऐसे हैं कि इन मसलों से बावजूद इसके कि ये ज़िंदगी में रोज़ाना पेश आते हैं किसी न किसी ख़ानदान के हलके में या किसी पड़ोस में या किसी में, लेकिन बदकिस्मती से हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं और कोई राय रखते नहीं, और अगर राय जनी करना चाहते हैं तो ऐसी राय जनी करते हैं कि जिसे आलिम है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आज के इस महफिल में खिताब के बाद हमें मज़ीद ऐसे खिताबात के लिए मौके फराहम करने होंगे, क्योंकि काफ़ी तादाद आज रही है और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों में इश्तियाक है कि दीनी मालूमात हासिल करें। मुझे तजुर्बा है कि जैसे सवाल आपने किया ऐसे कई सवालात IAS हो गए हैं, बड़े बड़े अहदों पे हैं, ये हैं, लेकिन वाकिफ नहीं, और फिर ये नहीं करना चाहते कि जाके किसी जगह से जैसे आपने फरमाया फतवा दें। अब आप अंदाज़ा लगाइए अगर आप कोई गलती करते हैं, आपका पड़ोस गलती करता है, तो फिर ये नाजायज़ माल जो है ज़िंदगी भर खाता है और उस ज़िंदगी भर जो है उसके उस नाजायज़ माल के इस्तेमाल की सज़ा भुग देगा वो अल्लाह ताला के पास। ये दो तीन बातें वजाहत में करना चाह रहा था। एक तो ये है कि देखिए एक रुपया होता है, आदमी की सांस उखड़ी तो रुपया टूट गया। जैसे सिर्फ दो बेटे हैं उसके, एक बेटे को आधा एक बेटे को आधा, वो तकसीम बाद में करिए नहीं करिए, बदनीयती करिए, लड़ लीजिए करिए, क्योंकि फर्ज कीजिए वो एक रुपया एक के कब्जे में है। जैसा एक घर है, एक घर में एक बेटे सा मुकीम है, काबिज है, सब कुछ है, दूसरे बेटे लंदन में है। अब ये नहीं कह सकते कि साहब आपने बाप की खिदमत नहीं की, आप लंदन में हैं, मैं रहा, मैं खिदमत किया, मैं वैसा नहीं। बाप की सांस उखड़ी तो लंदन में रहने के बावजूद उसका आधा हो गया और इसका आधा हो गया, बावजूद इसके कि इसका कब्जा है, इसके किराएदार सब किराया ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है,
लेकिन जैसी सांस जैसा एक रुपया टूट जाता है सर, ये एक रुपये की मैं मिसाल स्वास्थ्य दिया कि इसमें सभी आते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं, सांस उखड़ते ही वो सब मालिक बन गए, हालांकि उनके कब्जे में नहीं है, वो बैंक अकाउंट उनके पास नहीं है, बैंक का नंबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हद ये है कि एक साहब अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये रख के मर गए और उसमें नॉमिनी लिखे बीवी को या बड़े बेटे को। आपको तो मालूम है बैंक अकाउंट सब जानते हैं, नॉमिनी लिखाते हैं, वो तो आप बाज़ नॉमिनी लिख देते हैं। उस साहब का इंतकाल हो गया, अब वो नॉमिनी वहाँ पहुँच गए और वो रकम उठाने, तो बैंक क्या करता, नॉमिनी को दे देता। अब वो नॉमिनी ले रकम उठा के अगर तरके के, तो तरका कहते हैं, आप जो विरासत के बारे में बताए माल विरासत, उसको हमारी आम जबान में तरका कहते हैं। अब वो तरका जो 10 लाख रुपए वहाँ से उठाए वो बैंक से, वो आपके फरमान के मुताबिक आपने जो कुछ मशवरा दिया, शरई हिस्सेदारी के तौर पे अगर आप तकसीम करते हैं बेहतर है। और नहीं नहीं, मुझे नॉमिनी बनाए थे, किसी को देने का मंशा नहीं था, मैं ये रकम रखूँ, तो उसमें क्या हुआ, इब्तदा में अदालतें नहीं नॉमिनी है दे दो, मुकदमाबाजी हुई थी, तो बाद में ऐसे फैसले आए अदालत के जो आज राइज हैं कि वो नॉमिनी होने के बावजूद अगर आप जाके बैंक से ये कहें कि हमको खौफ है, ये उनका तर्का है, अदालत से हम तस्या कराने तक आप ना दें, अगर आपको एतबार है फबेह सब मिलकर बैठे वो रकम लाएंगे तकसीम कर देंगे, अगर आप नहीं हैं तो बैंक से कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं, स्टे ले सकते हैं कि वो 10 लाख रुपये नॉमिनी को न दिए जाएँ, क्योंकि हम सब हकदार हैं, समझ रहे हैं। तो इस कदर नाजुक मसाइल हैं, बड़ी इस बड़े सही तौर पे आपने वजाहत की इसकी कि यह बहुत ज़रूरी है कि आपके हकूक मालूम किए जाएँ, ये नहीं कि ख़ानदानी ताल्लुकात की बिना पे, सरपरस्ती की बिना पे, ऐसे तमाम चीज़ों की बिना पे ये कहें मैं उनसे ज़्यादा करीब था, मैं उनकी खिदमत किया था, मैं फ़लाँ किया था, ये सब कुछ नहीं। अब मैं इतनी तफसील में तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना ही आपसे ज़रूर कहूँगा कि न सिर्फ आप बल्कि अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ अखारिब में आप ये मशवरा दें कि मुफ्ती साहिबान से ये फतवा हासिल करें। अब उसके बाद अगर फतवे में कोई गलती होती है तो आप पे ज़िम्मेदारी नहीं है, फतवा तो हासिल किया, आपकी नेक नीयत ये है कि आपने तकसीम के लिए जो मशवरा उनसे हासिल किया उसके मुताबिक अमल किया है, क्योंकि फतवे में भी इख्तलाफात आते हैं, बाज़ वक्त कुछ और फतवा कोई देते हैं कोई फतवा, तो बांट कर तस्या कर लिया जा सकता है या अदालत से कर। मुझे आपने पहले बताया नहीं, यहाँ एक किताब रखी हुई और है, ऐसी किताबें आपके पास इस वक्त है, अगर कोई हासिल करना चाहता है तो? नहीं नहीं, हमारे पास किताबों का वो है, नज़म है यहाँ सेल का। आपकी एक किताब मैं अभी टेबल पर देखा हूँ, इससे पहले मुझे बताया नहीं गया, वरना हम ऐसी किताबें फराहम करते हैं लोगों को, ये बहुत ही अहम किताब है और मैं उन्वान देख के बड़ा खुश हुआ। इससे पहले भी कुछ किताबें छपी हैं, लेकिन अब ये हालिया वो है शायद आपकी, हाँ तो ये जो है कुरान हदीस और फिका की रोशनी में आम फहम अंदाज में विरासत की तकसीम का मुफसिल तरीक़ा, विरासत की तकसीम कैसे करें। ज़ाहिर है ये मौलिफ हैं मुफ्ती साहब अज़ल कासमी साहब और नाशर फैज़ी कुतुब खाना मुतसिल मस्जिद सालहीन चंचलगुड़ा हैदराबाद। और ये किताब क्या नाम की? ये अगर हमारे दफ्तर से हासिल करें तो मुफ्त हासिल कर सकते हैं। दफ्तर से अगर आप हासिल करें, दफ्तर का पता है यहाँ पे नगर रोड में रखते हैं जी, दफ्तर का पता है, आप ले सकते हैं, ये है वाहिद नगर मस्जिदुल फलाह वाहिद नगर, मस्जिद अल फलाह वाहिद नगर, खदीम मलकपेट हैदराबाद 36। तो ये आप वहाँ से मुफ्त भी हासिल कर सकते हैं जी। फ़ोन नंबर देखिए 9 8 4 जी, दूसरा नंबर में लिखा है, किताबों पर काट दीजिए। ये असल में ये दूसरी जगह से छपी है। नहीं नहीं, वो जो भी है अब आप जो दे रहे हैं वो दूसरी किताबों पे भी आना लिखा। 9441 9820 सफ़ा बैतुल माल का दफ्तर है वाहिद नगर कदीम मलकपेट पे, वहाँ दफ्तर से हासिल कर सकते हैं आप। मेरा तो ये ख्याल है कि ये किताब हर घर में होनी चाहिए, सब देना, कम अज़ कम इब्तदान तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसी किताबों के रेफरेंस की जरूरत है। तो आपने जो कुछ कहा अब उससे मजीद मेरे को, मेरे लिए तो
कहने की बहुत गुंजाइश इससे, क्योंकि मैं हूँ पेशे से वकील और मेरे लिए जो है कई मसाइल कई वक्त ऐसी बातें सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त वो नहीं है। और एक मुफ्ती साहब के सामने मैं ये नहीं कहना चाहता कि मजीद कोई वजाहत नहीं करना चाहता। जी हाँ, ज़िंदगी में अगर बाप के साथ जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे का एतबार होगा। ज़िंदगी में अगर उस बाप ने ज़मीन बेटे के नाम फ़रोख्त कर दी है और फ़रोख्त नहीं की है, बाप ही की ज़मीन है, तो ज़मीन बाप की मिल्कियत रहेगी, घर बेटे की मिल्कियत रहेगा। घर के सिलसिले में भी बाप से जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे का एतबार किया जाएगा। बाप ने उस घर के सिलसिले में क्या मुआहदा किया है? बाप अगर कहता है कि घर तुम्हारी मिल्कियत है, ज़मीन मेरी मिल्कियत है, तो ज़मीन बाप की मिल्कियत रहेगी। इंतकाल के हाँ, एक सूरत ये भी है कि जिस तरह से बिल्डर्स को देते हैं कि बाप से मुआहदा ये हुआ कि बिल्डर घर बना रहा है, तो बिल्डर को जिस तरह से 50-50 का मुआहदा होता है, बाप ने ज़िंदगी में कहा कि मेरी ज़मीन पे तुम घर बनाओ, 50-50 होगा, तो वही 50-50 का मसला रहेगा कि 50 बेटे की मिल्कियत रहेगा, बाकी के 50 में विरासत तकसीम होगी। जितना बाप की मिल्कियत है उतने में विरासत होगी, जितना बेटे की मिल्कियत है उसमें विरासत नहीं होगी। अर्ज करना यह है कि जैसे आपने कहा, मुमकिन हो आप जहन में कुछ उसका इंटरप्रिटेशन ले, कुछ जाएँ कुछ के करें, ये तहरीरी तौर पे फतवा हासिल करें आपसे, तो आपको भी सोचने समझने का भी मौका मिलेगा, फिर आपके पास तहरीर में रहेगा, आप कोई गलती भी करेंगे। कुरान में अहकाम है, जब तुम आपस में कोई मामला करो तो लिख लिया करो। वजह क्या है? वजह यह है कि फ़र्ज़ कीजिए आप में मेरे में तकरार है, ये 5,000 रुपये देना है, नहीं 3,000, नहीं 2,000, नहीं 4,000, फिर लिखे कुछ नहीं और बाद में लिखने बैठे, तो उस वक्त आप कुछ कुछ याद है, मेरे कुछ याद है, और वो आप कहते हैं नहीं नहीं आप 4,000 कबूल किए थे, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं 3,000 कबूल किया था। तो इस वजह से अहकाम ये है कि आप तहरीर कर लिया करो, लिख लिया करो। वजह क्या है? तहरीर मिटती नहीं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बच्चे को तो वो भी नहीं दे सकते, वसीयत का इससे ताल्लुक नहीं रहता, वसीयत का मसला यहाँ नहीं आता। एक तिहाई के लिए भी अगर ये बाप ये कहता है कि जिंदगी में एक तिहाई, जिंदगी में अगर बाप ये कहता है कि इंतकाल के बाद एक तिहाई तुम्हारा, उसका एतबार नहीं। और एक छोटी सी वजाहत और कर देता हूँ, आपने जो कब्जे की बात कही उसके बारे में समझिए, हिबा जो है इस्लाम में उसके 3 शरायत हैं, अगर उसमें से एक शर्त भी नहीं है, कई मुकदमे उसी उन्वान पर घूमते रहे, एक भी अगर कम है तो हिबा मुकम्मल नहीं होता। हिबा में इस्लाम में ये है 3 शरायत हैं, कि आप देने की नीयत से ये ऐलान करना कि साहब मैं इनको दे रहा हूँ, और जो कबूल कर रहा है वो ये कह के कबूल करना कि मैं इस हिबा को कबूल कर रहा हूँ, और तीसरा क्या है? कब्ज़ा। अगर कब्ज़ा ना दें तो हिबा मुकम्मल नहीं। अब आप जो बात बताए वो बात आई, तो इस वजह से अगर कब्ज़ा, फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने बेटे से कह रहा हूँ बेटे मैं तुमको एक मकान दे दिया और जो है तहरीर कर दो, जाओ डॉक्यूमेंट लिखा लो, सब कुछ करो, और ना मैं वहाँ से हटा ना वो हटा, और उसके बाद जो है ये पता ही नहीं है कि कब्ज़ा किस तरीके से मुंतकिल हुआ, तो वहाँ पर यह शर्त रखी गई है। तो बाद लोग क्या करते हैं, हिबा जब दे देते हैं तो एक दिन होटल में जाके ठहर जाते हैं, और होटल में रिकॉर्ड रहता, ऐसी होटल जो मशहूर है वहाँ रिकॉर्ड रखने वाली है, उसमें ठहर जाते हैं, ठहर के क्या करते हैं, वहाँ किराया देते हैं, और ये करके देखिए जब दिए थे ये कबूल कर लिए हम, उसके बाद घर छोड़ कर चले गए और फला होटल में जाके ठहरे, वहाँ का रिकॉर्ड ये है रसीद का, ताकि हमारे से मुकम्मल, फिर उसके बाद आ जाते बाप के पास आ जाएंगे। लेकिन कब्ज़े की तकमील शरई एतबार से मुकम्मल समझने के लिए वो घर खाली करके चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है, हिबा की शरायत की बात आई थी हिबा की, तो दुआ फरमा दी इसमें आएगी। दादा दादी पोत्र बहुत चाहते हैं और दादी के इंतकाल पर दादा कहता है पूरे खानदान के सामने कि मैं 5% इस पोतरे को देता हूँ, और उनके पास से दादा का भी इंतकाल हो जाता है, उसके 4 बेटे, तो उसमें जब जायदाद तकसीम होगी तो 5% पोतरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो पोतरा महरूम हो रहा उसके लिए वसीयत कर सकते हैं, जो पोतरा महरूम नहीं हो रहा उसके लिए वसीयत नहीं कर सकते। इसलिए आप एक काम ये करिए, इंतकाल के वक्त कौन कौन उसके वारिसीन मौजूद थे सब लिख दीजिए, बेटे थे, बीवी थी और कौन कौन थी, वो लिख के तहरीरी तौर पे किसी भी दारुल इफ्ता से आप वही तहरीरी तौर पे देखिए। तलाक और विरासत दो मसले ऐसे हैं जो ज़माने नहीं बयान किए जाते, इसमें बहुत बारीकी होती है, ज़रा सा फ़र्क पड़ता है पूरा मसला तब्दील हो जाता है।
इसलिए ये मसाइल ज़बानी तौर पर नहीं बयान किए जा सकते, इन मसाइल के सिलसिले में तहरीरी तौर पर ही ये मसाइल हल होते हैं। इसलिए मैंने मसाइल को नहीं छेड़ा है, अहम अहम वजाहतें आपके सामने की है ताकि इस एक तरह का शूर हमारे अंदर पैदा हो। देखिए आपके मसले में पोतरा वारिस है नहीं है वो आप जानते हैं, लेकिन जितने यहाँ सामईन हैं उनके जहनों में यही बैठेगा कि पोतरे के लिए अगर किसी ने वसीयत की है तो पोतरे को मिलेगा, या अगर मैं ये कह दूँ कि उस पोतरे को नहीं मिलता तो सबके जहनों में यही बात बैठ जाएगी कि पोतरे को वसीयत नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना जो मसला है उस मसले को तहरीरी तौर पर लिख दीजिए कि इंतकाल के वक्त फ़लाँ 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 लोग उनके मौजूद थे, उसमें ये पोतरा भी था, पोतरे के उन्होंने के लिए उन्होंने इतनी वसीयत की है। अब वसीयत नाफिज होगी या नहीं होगी तहरीरी तौर पर ले लीजिए। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين سبحانك لا اله الا انت سبحانك انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا معاف فرما مولاي كريم خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ نیک توفیق عطا فرما اے اللہ نیک جذبات پیدا فرما اے اللہ تیرے احکامات کی تعمیل کے سلسلے میں اے اللہ ہمارے اندر وہ جذبات پیدا فرما کہ ہم آپ کی کتاب سے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں۔ مولا آپ کی کتاب کو اور آپ کی نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر دیگر مختلف طریقوں سے اور مختلف ایسی چیزوں سے جو شریعت کے خلاف ہیں ہم مسائل کو حل کرنے سے اجتناب کرنے والے بن جائیں۔ مولا کریم اس طرح کی ہدایت اور اس طرح کی توفیق ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس طرح کا شعور ہمارے اندر پیدا فرما، اس طرح کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔